तो पूरा मामला ये है कि नवंबर के टाइम पे हम लोग ने कार्य बहिष्कार चालू किया था। कुछ हमारी 15 सूत्री मांगे हैं, बहुत जैसे जो लंबित भुगतान है हमारे कोरोना पीरियड से उसको वापस चालू किया जाए, जो पारेषण में 220 के केवी के उपकेंद्रों पे प्राइवेट में कंपनियों को दिया जा रहा है काम, उसमें चाहे वो परिचालन का हो चाहे वो लाइनों का काम हो। दूसरी तो ऐसे करके मुख्य टोटल 15 बिंदु बने थे, जिसमें कैशलेस हॉस्पिटल्स की जो हमारी व्यवस्था है वो उसको भी सभी हॉस्पिटल में लागू किया जाए, ऐसे करके टोटल 15 डिमांड्स थी। तो उसके लिए 3 दिसंबर 2022 को ऊर्जा मंत्री जी और मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी की अध्यक्षता में सभी संगठनों को बुला के एक बैठक हुई थी, जिसमें लिखित समझौता हुआ था कि सभी 15 डिमांडों को प्रबंधन पूर्ण करेगा। आज उसको हुए 3 महीना हो गया है और उस पर अमल करना तो बजाय उसके अगेंस्ट में विरुद्ध में काम हो गया है। इवन सीतापुर जनपद में भी 220 केवी जो कि एक बहुत ही टेक्निकल काम है, जिस पे बहुत ही जिम्मेदार टेक्निकली स्ट्रॉन्ग आदमी पोस्ट किया जाता है, उस पर भी अब परिचालन का काम एक कंपनी को दे दिया गया है। इसी बीच आपको बताएं जो G20 समिट था उसमें हमारे जो 2 800 मेगावाट की यूनिटें हैं अनपरा में ओबरा में, उसको भी NTPC को दे दिया गया। मतलब जनता का पैसा स्टेट गवर्नमेंट का लगा, आप लोग का लगा, जनता का लगा और उठा के दे दिया गया उनको। सिमिलरली परिचालन मैंने आपको ट्रांसमिशन का भी बताया। तो ये सब जो डिमांड्स हैं हमारी, इन्हीं को एकत्र करके टोटल 23 संगठन आज विद्युत विभाग के एकजुट हुए हैं और हमारे मांग पत्र को ना मानने के लिए उसके लिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ पे आज। तो हमारा आज पहला दिन था जिसमें मशाल जुलूस का कार्यक्रम था, जो जैसे कि आप देख रहे हैं डिवीज़न फर्स्ट कार्यालय से हमने यहाँ ट्रांसपोर्ट चौराहे तक किया। इसके बाद 15 तारीख से हम कार बहिष्कार पर रहेंगे। फिर 15 तारीख पर जो हम कार बहिष्कार पर रहेंगे वो हम डिवीज़न 1 के प्रांगण में रहेंगे सभी लोग, कोई भी ऑफिशियल जो कार्य है वो हम नहीं करेंगे। फिर 16 की रात्रि 10 बजे से हम पूर्णता कार बहिष्कार, जिसको हड़ताल कहते हैं 72 घंटे की, उस पर चले जाएंगे, जिसमें जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पे जो परिचालन में भी स्टाफ लगा हुआ है चाहे वो SSO हो चाहे लाइनमैन हो, वो भी वहाँ पे हट के हमारे साथ कार बहिष्कार में सहभागिता करेगा। जी हम खुद नहीं चाहते कि किसी उपभोक्ता को परेशानी हो, इसीलिए हम 1 महीने से 3 महीने आज हो गया है, उसके पहले भी 2 महीने बाद चल रही थी। आज यहाँ पे हमने 13 को 1-2 घंटे की सांकेतिक बहिष्कार किया था 3 से 5, आज 14 तारीख को मशाल जुलूस निकाला है। आज आपको बताएं 2 बार बात भी हुई ऊर्जा मंत्री जी से, तो पूर्णतः उन्होंने मना कर दिया है कि कोई समझौता नहीं। तो जब हट रवैया रहेगा उनका तो वो ही हमें प्रबंधन ही हमको मजबूर कर रहा है कि हम ऐसे करें, बाकी हमारे लिए तो उपभोक्ता सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे लिए तो रोजी रोटी उससे, और उसके लिए हम सीधा हड़ताल पर नहीं जा रहे हैं, 1 दिन का और मोहलत दे रहे हैं हम कार बहिष्कार कर रहे हैं, जिसमें हम उपभोक्ता को बिजली संबंधी कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। और जब हम हड़ताल पर रहेंगे तब भी इवन जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं जैसे हॉस्पिटल की हो गई, कोर्ट हो गया, इनकी हम लाइनें दुरुस्त रखेंगे। हिमांशु पटेल, संयोजक विद्युत संघर्ष समिति।